बावलोग सरकटी का आतंक बस एक दिन की दूरी पर है, लेकिन इसमें कहानी कुछ ऐसे शुरू होगी कि जो शायद आपके सर के ऊपर से जा सकती है एक बार के लिए। यदि आपको स्त्री 2 यानी सरकटी के आतंक का फुल समझना है और उसका मजा लेना है तो इन 3 मूवी का ज्ञान होने को मांगता है। जो मेन प्लेयर है बाबा स्त्री मूवी यानी इसका फर्स्ट पार्ट, अगर इसको पूरा देखा है और देख भी लिया है बहुत लंबे समय से और बहुत सी कहानी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये रिकैप को सुन लो, मजा आ जाएगा। दूसरा है भेड़िया और मुंजिया, अगर इन दोनों मूवी को भी देखा है तो ठीक है, अगर नहीं भी देखा है तो इतना कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बाबा स्त्री का पूरा पूरा ज्ञान होने को मांगता है, दैट्स व्हाई देन आपको स्त्री 2 का मजा आ पाएगा। चंदेरी के लोगों की रक्षा करेगी फ्रॉम सरकटा, तो फटाफट रिकैप कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आगे जाके काम पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बाबा चंदेरी शहर की कहानी है जहाँ हर साल 4 दिन की एक पूजा करी जाती है और इसी शुभ अवसर के बीच स्त्री नाम की एक चुड़ैल आती है जो अपने साथ मर्दों को ले जाती है, ले जाना पसंद करती है वो भी बिना कपड़ों के। आगे बढ़ने से पहले मूवी के मेन 5 कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। राजकुमार राव एज विकी, और यू कैन से विकी प्लीज, देन अभिषेक बनर्जी एज जना, अपार शक्ति खुराना एज बिट्टू, एंड कालीन भैया सॉरी पंकज त्रिपाठी एज रुद्रा भैया, श्रद्धा एज मिस्ट्री गर्ल, किसी को कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, पूरी मूवी खत्म हो जाती है इसका नाम तक नहीं पता होता है, तो वो देखेंगे भाई साहब स्त्री 2 यानी कल पता चलेगा कि श्रद्धा कौन होने वाली है। मूवी की स्टार्टिंग होती है भाई साहब विकी के जबरदस्त टैलेंट से, टेलर होता है ये बंदा, लेडीज का वो भी लेडीज टेलर, खासियत इसकी ये है कि आंखों से ही नाप ले लेता है, यानी सब कुछ आंखों से ही, जैसे श्रद्धा का ले लिया और फर्स्ट टाइम में इसे बाबा छत में उससे मीट करता है, और यहाँ विकी को फर्स्ट टाइम में ही देखते उसे लव हो जाता है, देन सेकंड मीट में उसका लहंगा सिल जाता है। तभी एक और डिमांड फ्रॉम श्रद्धा ये हो जाती है कि वो चिट्ठी में लिख कर देती है जिसमें काला जादू का फुल सामान लेकर मंदिर पर बुलाया जाता है, वो भी रात में, और प्यार में अंधा विकी वो सब कुछ कर देता है जो श्रद्धा कराती है। उधर स्त्री भी अपना काम जबरदस्त कर रही है, मर्दों को उठा उठा के ले जा रही है। उधर जब जंगल के फार्म हाउस में पार्टी रखी जाती है तो विकी ओ स्त्री कल पे मूत के आ जाता है, जिससे पढ़ी लिखी स्त्री आज्ञाकारी स्त्री, हाँ भाई साहब ये ऐसी चुड़ैल है जो पढ़ी लिखी है और आज्ञा का बहुत पालन करती है, अगर आपके घर के बाहर लिखा होगा कि वो स्त्री कल आना तो ये कल ही आएगी, ये जबरदस्ती नहीं करेगी, घर पे नहीं घुसेगी, तो ये बहुत ही सभ्यजनक चुड़ैल थी। तो वहाँ पर ओ स्त्री कल आना पे कल पे मूत के आ जाता है, जहाँ पर अब सिर्फ ये लिखा है कि ओ स्त्री आना, और वो झट से आज्ञा का पालन करती है और फटाफट अंदर जाके बंदे को उठा के लेके चली जाती है। देन सेकंड सीन में भाई साहब विकी भी श्रद्धा के साथ जंगल को रवाना हो जाता है, जहां बिट्टू और जना को श्रद्धा पे शक होता है और हो ना हो यही स्त्री हो शायद ये उनको लगता है, और अपने दोस्त को बचाने जंगल की ओर चल देते हैं। बाइक में 50 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं, तभी रुद्रा भैया मिल जाते हैं रास्ते में, जो पूरा बायोडेटा देते हैं स्त्री का कि भाई साहब वो जितना भी तुम्हें अपनी कमसीन आवाज में तुम्हारा नाम पुकारे तुम पीछे पलट कर मत देखना और हाथ में चप्पल लेके बस सरपट घर की ओर भागते रहना। लेकिन उस रात जना को फिर भी स्त्री उठा ही ले जाती है, और यहाँ श्रद्धा के ऊपर जो शक था वो भी अब खत्म हो गया था सबका, फिर वो आगे जाके होता है, इससे पहले एक और सीन होगा वो आगे जाके बात करेंगे। देन चंदेरी पुराण के लेखक के पास सब लोग जाते हैं, जो और कोई नहीं नन ऑफ देन अपने विजयराज भाई साहब ही होते हैं, और स्त्री का तोड़ पूछते हैं उससे जो थोड़ी देर पहले बकवास करता है, फिर बताता है कि भाई साहब स्त्री को चाहिए फुल इज्जत और एक ऐसा बंदा जो खुद को राजकुमार समझता हो, हुनरबाज हो और तवायफ की औलाद हो, वो और कोई नहीं अपना विकी ही होता है। और उसे अब ये भी पता चल गया कि स्त्री कहाँ ले जाती है सबको भाई साहब पुराने खंडर पर, और उसके द्वारा लेखक के द्वारा ये है कि भाई स्त्री को करनी है पूरी अपनी सुहागरात, और वो उसी से करेगी जो विकी है, क्योंकि एक ऐसा अनोखा बंदा सिर्फ विकी ही है जिसमें ये सारे गुण और क्वालिटी मिल रही हैं। देन अब एक एवेंजर्स अपनी लोकल एवेंजर्स टीम तैयार करके स्त्री का शिकार करने सब निकल पड़ते हैं, लेकिन उससे पहले स्त्री जब जना को छोड़ देती है, क्योंकि इससे पहले वो जना को उठा ले जाती है, देन उसके बाद वो उसे छोड़ देती है, लेकिन उसके पीछे भी उसका पूरा एक मकसद होता है, और वो रात को उठ के यानी जना रात को उठ के सबके घर के बाहर बहुत लोगों के घर के बाहर जो लिखा हुआ होता है कि वो स्त्री का लाना सब मिटा देता है, और बहुत से मर्दों को वो उठा ले जाती है उस रात। और अब विक्की बिट्टू रुद्रा भैया की टीम साथ में श्रद्धा जादूगरनी की टीम मिलके यानी अपनी चंदेरी की एवेंजर्स टीम मिलके सभी मर्दों को बचाने की तैयारी करते हैं और निकल पड़ते हैं, और स्त्री की अधूरी रही सुहागरात की तैयारी भी करते हैं जो विकी के साथ बनाई जाएगी, क्योंकि यही है तोड़,
अगर स्त्री को बुलाना है अपने पास और स्त्री के साथ जाना है और ये भी जानना है कि उसने सारे मर्दों को कहाँ रखा है, तो भाई साहब इसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी जहाँ पर अपने विक्की भैया की बलि चढ़ाई जा रही है। लेकिन फिर भी फिर जना की मदद से स्त्री फिर विक्की को भी उठा ले जाती है। देन पुराने खंडर पर वो सब मिलते हैं, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि भाई साहब उसे सुहागरात नहीं मनानी थी, उसे बस रेस्पेक्ट चाहिए वहाँ के लोगों से। और अंत में स्त्री की चोटी काट कर उसे कमजोर बना दिया जाता है और वो चली जाती है। सारे मर्द आजाद हो जाते हैं और सबका होम कमिंग हो जाता है। लेकिन विक्की को यहाँ तक श्रद्धा से, मतलब मूवी में यहाँ तक आते आते श्रद्धा से हो जाता है बहुत कसके प्यार, और कुछ कसमें वादे करके श्रद्धा निकल जाती है अपने रास्ते। लेकिन लास्ट में स्त्री की चोटी वो अपनी चोटी में डबल करते नजर आई, लेकिन क्यों ये राज भी मूवी के एंड होते ही उसी के साथ खत्म हो गया, जो हमें कल पता लगने वाला है कि सेकंड पार्ट में भाई साहब मतलब श्रद्धा ने ऐसा क्यों किया होगा कि उसकी चोटी काट के वो खुद अपनी चोटी में लगा रही, तो वो कोई जादूगरनी थी या वो खुद चुड़ैल है या क्या है, वो भाई साहब कल मूवी में पता लगने वाला है। क्योंकि सी इज अ मिस्ट्री गर्ल और अपने विक्की भैया को तो उनसे लव हो ही गया है। तो मैं भी सी नो दैट कि चंदेरी में अभी भी भाई साहब मुसीबतें खत्म हुई नहीं है, क्योंकि सरकटे का आतंक जब चल रहा है और वो सारी लड़कियों को उठा ले जा रहा है, जो अगेन श्रद्धा स्त्री की चोटी के साथ पावरफुल होके जबरदस्त सामना उसका करने वाली है, वो सब कल के बाद में देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेलर से तो इतना ही पता लगा। तो कौन कितना एक्साइटेड है भाई साहब कल मूवी के लिए, अपना सीट बेल्ट टाइट करो और अपना टाइम निकालो, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई साहब भेड़िया और मुंजिया ये मूवी भी अगर आपने देख रखी है तो फिर तो सॉलिड स्त्री टू सॉलिड समझ में आने वाली है, क्योंकि इंटरकनेक्शन है इन दोनों का भी, एंड वरुण धवन का भी कैमियो हमें इसमें देखने को मिल सकता है और मुंजिया का भी कुछ एक पार्ट हमें देखने को मिल सकता है, डेफिनेटली वरुण धवन का देखने को मिल सकता है। बाकी इस मूवी के गाने बड़े सॉलिड हैं तो मूवी तो चली गई है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, और यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो पसंद आ ही होगी तो ठीक है, तुम्हारा जो काम है कर सकते हो भाई साहब, लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो और अपना एक्साइटमेंट भी जाहिर कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।